हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ऑफ कोर्स ईएमएफ इक्वेशन दैट इज ईपीएच इक्वल टू 4.44 केपीकेडी एनपीएचएस F5। केपी पिच फैक्टर, केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कंबाइंडली इट इज कॉल्ड वाइंडिंग फैक्टर। ओके, नाउ हेलो, देन दिस इज 4.44 केपीकेडी। ओके, नाउ हमने इसी फार्मूले पे बेस्ड और पीस फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 2 पोल्स अ स्टार कनेक्टेड टर्बो अल्टरनेटर हैज 54 स्लॉट्स विद 4 कंडक्टर पर स्लॉट। द पिच ऑफ द कॉइल इज 2 स्लॉट्स लेस देन पोल पिच। If the machine has 3300 volt between lines on open circuit with sinusoidal flux distribution, find the useful flux per pole. Then from the question, we have to find out the useful flux per pole. That is 5. Okay, 3 phase दिया हुआ है, 50 hertz half हो गया, P2 हो गया, a star connected है, number of slots 54 दिया हुआ है। ओके, अब विद 4 कंडक्टर पर स्लॉट यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट कितना है, 4 दिया हुआ है। द पिच ऑफ द कॉइल दैट इज कॉइल पिच बोलता है क्या है, इज 2 स्लॉट्स लेस देन पोल पिच। पोल पिच हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। ओके, एंड पिच क्या हो गया, ओके 2 स्लॉट्स कम। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज द वे, ओके दिस इज द फुल पिच एंड दिस इज द शॉर्ट पिच, दिस इज द एंगल अल्फा। तो अल्फा ही आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 स्लॉट्स। ओके, 2 स्लॉट्स कम है यानी कि कॉइल पिच जो होगा पोल पिच 180 डिग्री माइनस अल्फा, एंड अल्फा दिया हुआ है 2 स्लॉट्स, तो हम लोग लिख दिए 180 डिग्री माइनस 2 स्लॉट्स। रफली नंबर ऑफ स्लॉट्स दिया हुआ एल। If the machine has 3300 volt between lines, line मतलब कि 2 line conductor on open circuit, यानी कि ये line voltage दिया हुआ है with sinusoidal flux distribution. Now, हम लोग जानते हैं M number of slots per pole per phase, number of slots दिया हुआ है 54, number of pole दिया हुआ है 2, number of phase है 3, M आ गया 9. Now, phase spread M beta, that is M beta. That is given by 180 divided by number of phases, that is 180 divided by 3 equal to 60 degree. तो बीटा हम लोग निकालेंगे अगर इससे, एम हम लोग को पता है, एम बीटा पता हो गया, तो बीटा निकालेंगे तो 60/9, 6.66 degree. Now, distribution factor have the formula, sin m beta by 2, m sin beta by 2. Put ये formula, value आ गया 0.956. Kp, cos alpha by 2, alpha क्या है? कॉर्डिंग एंगल यहाँ पे 2 स्लॉट्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात किए थे द पिच ऑफ द कॉइल इज 2 स्लॉट्स लेस देन पोल पिच, यानी ये दो स्लॉट है, दैट इज द कॉर्डिंग एंगल। ओके, उसी कॉर्डिंग एंगल से कम होने पे हमारा कॉइल पिच होता है, कॉइल पिच इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो हम लोग अल्फा जो निकालेंगे तो पोल पिच माइनस कॉइल पिच दैट इज द 2 स्लॉट्स, तो 2 स्लॉट्स एक स्लॉट के कोरिस्पोंडिंग जो एंगल है वो बीटा है। ऑल ऑफ यू नो बीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट। ओके, तो बीटा हो गया, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है 2, तो 2 × 6.6, तो ये अल्फा हो गया 13.32 डिग्री। ओके, नाउ केपी हमने निकाल लिए 0.993, नंबर ऑफ कंडक्टर पर निकाल लिए नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट इनटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल आ गया 216। तो ये टोटल कंडक्टर्स है बट हम लोग को पर फेज निकालना है बिकॉज इन फॉर्मूला देयर इज पर फेज। ओके, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज कितना हो गया, तो 3 फेज 3 से हम लोग डिवाइड कर दिए, गॉट इट। ओके, नाउ ये लाइन वोल्टेज √3 पीच, स्टार कनेक्टेड है तो स्टार में लाइन वोल्टेज √3 इनटू फेज वोल्टेज। ओके, देन ईपीएच इनटू 3300/√3, देन दिस इज द ईपीएच। ओके, नाउ दिस इज द फार्मूला, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज द आंसर फ्लक्स 5। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ए 6 पोल अल्टरनेटर रोटेटिंग एट 1000 आरपीएम
हैज सिंगल फेज वाइंडिंग हाउस्ड इन थ्री स्लॉट्स पर पोल। ये सिंगल फेज वाइंडिंग जो बताया हुआ है थ्री स्लॉट्स पर पोल में रखा हुआ है, यानी कि अल्टरनेटर सिंगल फेज नहीं है, थ्री फेज ही है, बट उसका सिंगल फेज वाइंडिंग जो है वो थ्री स्लॉट्स पर पोल में हाउस्ड है। एंड द स्लॉट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, तीन के ग्रुप में स्लॉट है, बीइंग 20 डिग्री अपार्ट। ओके, यानी तीन के बाद 20 डिग्री अपार्ट है। इफ ईच स्लॉट कंटेन्स 10 कंडक्टर्स एंड फ्लक्स पर पोल इज दिस, कैलकुलेट द वोल्टेज जनरेटेड बाय अज्यूमिंग साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रॉम क्वेश्चंस ये निकालना है हम लोग को, P इक्वल टू 6 है, NS 1000 RPM हो गया, सिंगल फेज वाइंडिंग दिया हुआ था, स्लॉट्स पर पोल इक्वल टू 3, दिस वन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल 3। ओके, नाउ बीटा इक्वल टू 20 डिग्री पार्ट दिया हुआ है। ओके, ऑफ कोर्स 3 के ग्रुप में हो या 10 के ग्रुप में, अगर 20 डिग्री पार्ट है तो वो बीटा ही होगा। ओके, नाउ कंडक्टर्स पर स्लॉट 10 दिया हुआ है, फ्लक्स पर पोल भी दिया हुआ है। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना हो जाएगा, ये स्लॉट्स पर पोल आपका 3, अब P इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, एनए से 125 P, इसे F निकाल लेंगे 50 हर्ट्ज। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट इंटू नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू 10 इंटू 18, 10 हमारा जो है दिया हुआ है पहले से, कंडक्टर्स पर स्लॉट, एक स्लॉट में 10 कंडक्टर, तो 10 इंटू 18 180, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, तो हम लोग सिंगल फेज का यहां बात कर रहे थे, तो 180 बाय 1 180। क्लियर है, नाउ लेट अस, चूंकि यहां पे पोल पीस को शॉर्ट पीस के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हम लोग शॉर्ट पीस के कोरिस्पोंडिंग पीस फैक्टर जो है हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1, यानी कि ये जो वाइंडिंग है वो फुल पीच वाइंडिंग है। क्लियर है, ओके, तो वाइंडिंग इज फुल पीच, यानी कि KP इक्वल टू 1। केडी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, अगर फेज स्पीड जो है 60 डिग्री होता है फॉर द थ्री फेज, ऑल ऑफ यू नो। ओके, जस्ट सी, ओके, तो एम हम लोग इससे निकाल लेंगे बिकॉज बीटा दिया हुआ है, बीटा है ना, बीटा दिया हुआ है दिस वन, तो एम निकल गया, इसमें पुट कर दिए, केडी आ गया वैल्यू, इसमें ईपीएस इक्वल टू दिस वन या दिस वन, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, इन विच, क्वेश्चन इज ए थ्री फेज 16 पोल, P इक्वल टू 16, अल्टरनेटर हैज रिएक्टेंट एयर गैप फ्लक्स ऑफ 0.06 वेबर, फाइव इक्वल टू 0.06 वेबर, इज डिस्ट्रीब्यूटेड साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पोल, द स्टेटर हैज टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज, दैट इज एम नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज 2, एंड 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट आर एकोमोडेटेड इन ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इक्वल टू 4 इन 2 लेयर्स। ओके, नंबर ऑफ लेयर डजंट मैटर। ओके, इफ द कॉइल स्पान इज 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल, कैलकुलेट द लाइन एंड फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मशीन रन्स एट 375 RPM। ओके, यानी कि एनएस दिया हुआ, एनएस हम लोग निकाल लिए, एफ आ गया, एम दिया हुआ है, फेज स्पीड होता है 180 नंबर ऑफ फेजेस, यानी 60 डिग्री, इससे हम लोग बीटा निकाल लिए एम को डिवाइड करके, केडी का ये फॉर्मूला है, एम बीटा 60, बीटा 30, एम 2 वैल्यू 0.966, कॉस अल्फा बाय 2, तुम लोग अल्फा निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू पोल पिच माइनस कॉइल पिच, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो KP निकल गया हमारा, cos अल्फा बाय 2, नंबर ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट इनटू नंबर ऑफ स्लॉट्स चाहिए, बट नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स निकालने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स सब किस फॉर्मूला में, एम में है, एम इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेजेस, पोल पता है, फेज पता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स निकल जाएगा, पोल हो गया 16, फेज हो गया 3, That is number of slots 96. So total number of conductor कितना हो गया? 4 into 96. Now Z equal to total number of conductors per phase. That is 128. Now unification इसमें सारा value put की. This is the answer. Star connected के लिए this one. जो ये question में किसी तरह का connection नहीं दिया हुआ है. जब connection नहीं दिया हुआ हो, तब हम लोग star connection मानेंगे.
Okay, then this is the final answer. I hope these three questions are very important to all of you regarding the EMF equation, pole pitch, pitch factor and distribution factor. Okay, मैं next video lecture में next topic के साथ मिलते हैं. अच्छा लगे दोस्तों को share कीजिए, लोगों को subscribe करने को कहिए. Thank you.